try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to it. Welcome to Gazelle Guys. Guys, another topic. The topic is a bahut cheesa ki jo topic laya aaj aur mere sath panel baitha hua hai pura aur jo topic hai wo ye hai ki all men are turkey kya all do tamam log turkey hote hain ya aurat ke andar bhi ek mushkil hoti hai thodi bahut theek hai to is bare mein discuss karenge hum sare to mere sath yahi पहले में हुसैन जावेद हसन तारिक जानजेद सईद एंड शाहजेद बैठे तो मेरे साथ इस वक्त हुसैन जावेद बैठे हैं। आप मुझे बताओ कि क्या ऑल मैन इन द वर्ल्ड ठीक है या टर्की होते हैं या फिर इसके अंदर औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसकी भी अंदर कुछ होता है कि उसके अंदर ऐसा कीड़ा होता है जो मर्द को टर्क होने पर मजबूर करता है। देखें, वो एक बात अक्सर कही जाती है कि वजूद जन से है इस कायनात में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक आपकी जीन्स में होता है, एक आपकी सोच में होता है। जो मर्द चाहे वो रोम का है, चाहे वो मियांवाली का है, चाहे वो जयपुर का है या वो न्यूयॉर्क का है, तो मर्द जो है वो हमेशा अपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। ये एक नेचुरल किस्म का फिनोमेना होता है, तो इसको हम यहाँ रद्द नहीं कर सकते। ये आप समझ लें कि इट इज़ इन द ब्लड ऑफ मैन। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि जो आपने बात की कि खवातीन जो होती हैं, चाहे वो वेस्ट में हैं चाहे वो साउथ एशिया में हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने लिबास के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए वो कहीं ना कहीं जो है वो मर्द को अट्रैक्ट करती है कि मर्द उनकी तरफ मायल हो। तो मैं समझता हूँ कि सारा इल्ज़ाम मर्द पे थोप देना गलत नहीं है, टर्की होना शायद गलत हो, लेकिन इसके पीछे वजूहत क्या होती हैं उन पर अगर हम जाएंगे तो ये हसन तारिक आप मुझे बताओ कि ऑल मर्द आर टर्की इन दिस वर्ल्ड या इसके अंदर बहुत बातें बनी हुई हैं कि चंद एक को परसेप्शन को सामने रख के उन्होंने सबको लपलापी कर दिया एक में, या ये औरत के अंदर उश्कल होती है कि वो मर्द को मजबूर करती है कि वो अपने अंदर का जानवर निकाले हुआ है। सर जी, मेरा ख्याल इसमें सिंपल इतना सा है कि जो मर्द है ना वो टर्की नहीं होता। बाई नेचर मर्द इज़ नॉट टर्की। उसकी नेचर बड़ी डिफरेंट सी है केयरिंग होने की, सारे होने की। अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ना ह्यूमन बींग की, तो आप देखिए ह्यूमन बींग भी जानदार है। आप मर्द के अलावा किसी जानवर को उठा लें, कौन सा जानवर को टर्की नजर आया, तो परिंदा टर्की नजर आया आपको, ऐसा कोई जानवर नजर आया? एक खरगोश वैसे टर्की होता है नहीं। देखिए नेचुरल इंस्टिंक्ट टू रिप्रोड्यूस प्ले बहुत हर जगह है। हम सिर्फ शादी कर लेते हैं, फर्क ये है वो नहीं करते, उनकी जो भी जोड़े बाजाते हैं वो कर लेते हैं। मर्द टर्की नहीं है, उसको टर्की बनाया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है। इट कैन बी एनी रीज़न, चाहे वो खातून की ड्रेसिंग है। आप मुझे दिखा दें कोई ऐसे टर्की बंदा आप कहें कि जिसके साथ ऐसी बंदी सेट हो गई जो बहुत अच्छी थी, बड़ी पढ़ी लिखे तो फारिग था, खातून आती उस बंदे के पीछे। एक हमारे माशरे में क्या कहा जाता है जी कि ये हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का आता है, झूठ है। औरत जाती उसके पीछे है जो कामयाब, पाँच सिर्फ इतनी सी है। आप उसका घर का नाम ले लें, आप उसको पूछ लें, जब उसको प्रस्यू करेंगे पुश करेंगे, पत्थर में भी पानी गिरे ना कतरा कतरा तो पत्थर टूट जाता है। हाँ जाजेब, अब तुम्हारे लिए ये सेम क्वेश्चन ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये ठरक इंसान के अंदर पाई जाती है जो एक इल्ज़ाम दिया जाता है मर्द के ऊपर, ये है या ये औरत भी इसके अंदर उतनी ही जिम्मेदार है? ये भी तो हो सकता है कि एक मर्द को हम ठरकी कहते हैं, क्या औरत के अंदर ठरक नहीं होती? वैसे बड़ा शरारती किस्म का ये सवाल है। और वैसे अगर हम देखें रिलीजन के हवाले से, तो इस्लाम में मर्द की औरत की शादी जो है उसे बड़ा जल्दी करने पे कहा गया कि एक टाइम यानी जैसे बलूगत है पहुँचे इनकी शादी हो जानी चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भुला दी और उसका असर आया दोनों पे, मेल पे भी फीमेल पे भी इक्वली आया। ये अलग बात है कि मेल ज़्यादा गंदे हैं कि ये मर्द हज़रात ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि दोनों जेंडर्स जो हैं उनकी अपनी ज़रूरियात हैं और एक फेज़ है जो दोनों पे आता है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम के अंदर रिलीजियसली अगर शादियाँ हो जाएँ तो फिर आई गेस कि ये जो एलिमेंट है ये सब के अंदर ज़रूरी नहीं कि सेम एक तरह से डेवलप हो कि आप हर एक लेबल लगा दें। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा इस कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, ख्वातीन जो है
उनमें मैं कहूँगा कि सारी खवातीन ऐसी नहीं होती जो कि ट्रिगर कर सकें, जिस तरह कुछ मेल हैं जिस तरह कुछ फीमेल हैं, तो कुछ मछलियों ने सारे तालाब को गंदा किया। ये भाई ऑर्डर कर रहे हैं तो जब तक ऑर्डर करते हैं मीनवाइल चले गए, जब तक ऑर्डर आ रहा है यहाँ से किस्सा आ गया। जैसे डाउट कहते हैं मुझे, वैसे बाय द वे एक चीज़ याद है, परसेप्शन पे आता है कि परसीव कैसे करते हो चीज़ों को लेकर। जैसे मैं की बात करें, एक सरदार जी थे वो रहते थे अंदरून लाहौर में, पार्टीशन हुई वापस चले गए इंडिया, बड़े अरसे में वापस आए पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया 60-70 में वापस आए। तो उनके नेक्स्ट डोर नेबर थे ना, वो सरदार जी का बेटा है, सॉरी सरदार जी नहीं, उनका बेटा है। तो उनके नेक्स्ट डोर नेबर ने से पूछा कि सरदार जी की हाल है, कहना ऑल राइट। कहता माँ जी का की हाल है, कहना ऑल राइट। कहता बड़े सरदार जी, कहना पिछले साल ऑल राइट हो गए। कहने का मकसद इट्स हाउ यू प्रोसीड। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है कि अभी बात हो रही है थरक के ऊपर बात हो रही, तो मैं समझता हूँ कि अब ज़माना चेंज हो गया। एक ज़माने में अगर किसी मर्द को थरक होती थी, वो क्या करता था कि अपने मोहल्ले में गली के नुक्कड़ पर जाके उस खातून का इंतज़ार करता था जो वहाँ से आती थी, ताकि उसको देख के अपनी थरक पूरी कर सके। आजकल ज़राए क्या है कि सब कुछ इसके अंदर है, आपका इंस्टाग्राम इसके अंदर है, आपका व्हाट्सएप इसके अंदर है, आप तमाम हर तरह की उन साइट्स पे जा सकते हैं जिन पे जाना नहीं चाहिए, VPN इसके अंदर है। थरक के ज़राए जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, और एक मर्द के लिए और एक औरत के लिए भी इक्वली बहुत आसान हो गया है अपनी इस थरक को पूरा करना। मेरा छोटा सा पॉइंट है, मैंने ब्लॉगिंग के लिए निकला है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा भाई जिसको मिला है ना अपॉर्चुनिस्ट, यस, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिनको मौका मिल गया वो ठीक है, जिनको नहीं मिला वो उसे खिलाफ बयानबाजी शुरू करते हैं। टॉपिक बड़ा अजीब सा है, क्या कह रहा है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। जैसे अगर किसी कुछ लोगों को खतूत को देख के सबको ठंडी कह देना, जो नहीं होगा उसको भी बीच बीच मार कर देना, ये सारा गलत है। क्योंकि बेसिकली ये कहा जा सकता है कि जो मर्द होता है ना, वो किस तरीके से ट्रिगर होगा, वो एक औरत से ट्रिगर होगा, सारी बात है उसकी ड्रेसिंग से, उसकी बोलचाल से, उसका एक्शन से उससे ट्रिगर करती है। बट बात ये बनती है कि मर्द क्यों होगा। अब आजकल के माशरे के अंदर, जैसे भाई ने कहा था जो मोबाइल है, अब मोबाइल जो है ये बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। पहले ये होता था कि आपने जाना है, आपने बाज़ार में जाना है, आपने इधर उधर जाना है, आपने उस लोकेशन में जाना है। आपके साथ में हो गए थरकी होता है या नहीं होता, ये टॉपिक हमारा ये है, वजह नहीं बस पूछनी हमने। नहीं, बात नहीं, बात ये है ना कि थरकी होने के पीछे भी वजूहत है ना। अब सब थरकी नहीं होते, अब ये नहीं कह सकता कि इधर छः बंदे बैठे हुए तो छः के छः थरकी। डिपेंड करते हैं कि पीछे सिचुएशन क्या है। अगर एक बंदा है जो जिसके अंदर ये लेवल बहुत ज़्यादा है और जिसके अंदर ये लेवल बहुत कम पाया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह प्रसुएड किया जा रहा है तरीकों से। तो गाइस, आपने इन सब की राय सुनी, मेरी अभी तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज स्टिल अनकवर्ड। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज एवरी सिंगल मैन इज अ डॉग। उस सब इंसान के अंदर एक कुत्ता होता है, ठीक है, कईयों ने उस कुत्ते को सुलाया हुआ है, ऐसे प्यार से थपकी दे दे के सुलाया हुआ है, सुलाया हुआ है, सुलाया हुआ है, और कई उसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, कि डू व्हाटएवर यू वांट माय फ्रेंड, तुम्हारा ये हिसाब किताब, ठीक है। लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर सकता, इवन एवरीवेयर, ठीक है, एक मर्द में एक औरत में एक दूसरे के लिए ठरक मौजूद होती है, बिल्कुल होती है। इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकते हो आप, इसको अट्रैक्शन दे सकते हो, इसको इन्फ्लेशन दे सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, इसको एक लस्ट का नाम दे सकते हो, इसको आप कुछ भी नाम दे दो, लेकिन ये दोनों साइड्स पे इक्वली मौजूद होती हैं। यहाँ पे हमें मर्दों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि हम लोग के अंदर मिजाज में ये ठरकपन होता है, क्योंकि यार यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से सईद ने कहा कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो सब कुछ करेगा, जिसको नहीं मिलेगी वो पाकिज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एक चीज़ होती है, ट्रिगर पॉइंट होते हैं दोनों साइड पे, वो पूरी दुनिया में सेम है। हर दुनिया की औरत, हर दुनिया का मर्द वुड बी थिंकिंग द सेम अबाउट अपोजिट सेक्स। तो मेरा यही है कि यार होता है, ये नेचुरली है, इंसान के अंदर है, और वही एक चीज़ है कि इफ़ सम पीपल दे
keep it sleeping, सुलाई रखते हैं उस कुत्ते को, और कुछ लोग जो है ना उसको अनलिस्ट कर देते हैं डेवल की तरह। आप कुछ कह रहे थे जी? मेरे इसमें एक पॉइंट है कि अभी हम बात कर रहे हैं, अच्छा के ऊपर बात हो रही है, और ये जो सेंस होती है मर्द में औरत में, इसके वजह से भी बात हो रही है। पहले तो हम ये डिफाइन करें कि हर एक के ख्याल में ठरकी क्या होता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमने एक शख्स की जो उसकी ऑब्जर्वेशन है हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, ऑब्जर्व तो कोई भी शख्स कर सकता है। तो ये वर्ड बेसिकली है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन को बयान किया जाए, अट्रैक्शन जैसे हमने बात की, अट्रैक्शन में और ठरकपन में क्या फ़र्क है, पहले इस पर बात की जाए। देखा हमारे यहाँ जो हरफ आम में जो ठरकी कहते हैं वो सिर्फ ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं होती, इट्स मोर देन ऑब्जर्वेशन, इट्स मोर देन, यानी ऑब्वियसली यू आर लुकिंग एट समवन, आइदर बॉय और अ गर्ल, दे बोथ या लुकिंग समवन फ्रॉम टॉप टू बॉम इन डिफरेंट एंगल, ठीक है। ये ठरक की डेफिनेशन होती है हमारे यहाँ। ऑब्जर्वेशन इस बहुत अच्छा वो लफ्ज हो जाता है कि उसको एक क्या कहते हैं शुगर कोटेड लफ्ज कह सकते हैं उसको। आपकी ये बात सही है, लेकिन यह एक और पॉइंट आता है जो सही ने बात की कि जिसको मौका मिला अपॉर्चुनिस्ट, हाँ जिसको नहीं मिला वो नहीं। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं है आजकल के दौर में, जिसको मौका मिल रहा है या जिसको नहीं मिल रहा है वो, अब मैं दोबारा कहूँगा अपनी जो उसकी ठरक है वो इसके थ्रू पूरी कर रहा है। अब आपको अपनी ठरक पूरी करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पर जो आजकल एक ट्रेंड आ गया और वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जो बंदी है या बंदा अपने रोज़मर्रा की एक एक घंटे की एक्टिविटी को इंस्टा पर ट्रैक करें, आप किसी को अगर जानना नहीं भी चाहते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन अपने खुद दे रहा है। तो एक बंदे की ठरक पूरी हो रही है। ये मेरा पॉइंट था कि बंदा ठगी नहीं होता, बंदा ठगी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये जब आप इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे हैं या अगर आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं, जैसे मैंने पत्थर में पानी करने की मिसाल दी थी, यही थी कि बाय डिफॉल्ट बंदा इज नॉट ठगी, यू आर मेकिंग हिम ठगी, आइदर इट इज द ऑपोजिट सेक्स या कोई भी मीडियम, वी आर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी, रादर नॉट एन अपॉर्चुनिटी, एक मीडियम दे रहे हैं उसको और उसको फोर्स कर रहे हैं बार 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 बार। और फिर इसमें एक बात ये कि आज के हम सिर्फ मर्द पर फोकस ना करें, जेंडर्स जो हैं वो अपने अपने तौर पे इस ठरक को पूरा करें। सिंपल सी बात जो मैंने अभी आप लोगों से भी एक बड़ी बात की, साथ साथ मैं आपको ये कहूँ कि अगर जिस तरह आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, हर बंदे के एक्सेस में है, ठीक है, आप उस पर आपका अपना अगर खिड़की हो तो यू कैन लेकिन जो इतने इस चीज़ों के बावजूद जो इतना रेप केस और इतना सब कुछ होता है, ठीक है, वो तो फिर बंदा तो ठरक पूरी कर रहा है एक जगह, तो बंदा इतना बड़ा क्राइम क्यों कमिट करेगा? ऐसे बड़ा सिंपल है, अहम टॉपिक इसमें आप रेप का ना, तो अगेन वही कहूँगा रेप ज़्यादातर कौन करता है, जो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि जो जिनके पास स्टेटस है पैसे है वो करते हैं, अगर एक हीट ऑफ द मूवमेंट हो जाए, वरना रेप वो करते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं होता और वो इस चीज़ को एक लग्जरी समझ लेते हैं और वो फिर हम लवर होते हैं। अपॉर्चुनिस्ट भी तो ये चीज़ है ना, वो भी तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना किसी को अपने शिकार करने की। तो यही मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के पास ये फ़ोन है, गाइस ये फ़ोन है, सब कुछ इसमें मिलता है, उसकी ठरक पूरी हो रही है, तो व्हाई इज गोइंग फॉर कमिटेड क्राइम? देखिए फोन साइट्स की बात कर रहे हैं, फोन साइट्स होते हैं वो हर तरह से आजकल जितने भी आप इवन अनपढ़ों को देख लें उनके पास बेहतरीन किस्म के फ़ोन हैं, और वो फ़ोन इसलिए नहीं लेते कि उन्होंने उस पर कोई नेट सर्फिंग करनी है, कोई उन्होंने थीसिस लिखना है या अपने मुल्क के बारे में जानना है, उनका मतलब होता है फोन साइट तक रसाई हासिल करना, रसाई ना मिले तो VPN के जरिए उसके अंदर गो थ्रू कर लेना। जब वो ये चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उनमें छोर की कमी है, उनमें लिमिटेशन नहीं है, और ऐसा बंदा एक रेपिस्ट ही बनता है अल्टीमेटली। इंडिया में मिसाल है, अब तो पाकिस्तान में मिसाल है, तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. Hamare samne hazir hai.
سعید کی طرف سے سعید احمد خان کی طرف سے یہ بیکاز ہی گاٹ نیو بورن بیبی واٹس ہز نیم محمد عثمان سعید محمد عثمان سعید میں ایک دفعہ سنا ہے میں فرسٹ ٹائم یہ ویری لکس ویری جوسی توا چکن یہ بمبے بون لیس ہانڈی اور یہ چھوٹی چھوٹی چپاتیاں دیکھیں پتلی پتلی سی چپاتیاں انڈین اسٹائل تو دیٹ مین بائی فوڈ تو یہ از اے ویری ویری ہاٹ ٹچنگ ٹاپک ایز ویل تو اللہ پاک سب لوگوں کو محفوظ رکھے کرائم کمٹ کرنے سے کسی بھی قسم کے کرائم کمٹ کرنے سے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایک لائٹ موڈ میں اگر ہم بات کریں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایوری مین ایوری وومن گاٹ فیلنگس فار ایچ ادر کچھ اس کو زیادہ نکال لیتے ہیں کچھ اس کو اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں اور ورنہ کرتے ہیں سب کے اندر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو